तुम कब आई? कल। कल यानी सिदरा यासिर? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मेहंदी वाले दिन बहू हॉस्पिटल में लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम इतनी साबिर क्यों हो माला? तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो किसी से? तुम्हारी ये खामोशी, ये आंसू मुझे अंदर ही अंदर जख्म दे रहे हैं माला। माला कुछ कहो यार। इस घर में और भी लोग हैं बेटा, वो भी तुम्हारे रिश्ते में कुछ लगते हैं। माला और ऐनी तुम्हारी बहनें हैं, उनका ख्याल तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? बताओ मुझे। बड़े दिल की ना होती तो आपकी लड़की को कबूल करती। जो अपने पहले दुल्हा को इन बारात के दिन खा गई। क्या हुआ अम्मी, ये माला कहाँ से याद आ गई? नहीं वो मैं पूछ रही थी कि कुछ और कार्ड चाहिए हो तो बता देना बेटा। कार्ड वो तो मैं दे चुका। अच्छा अच्छा, ऐसा करना वो भाई साहब के यहाँ चक्कर लगा लेना, या फिर तो अपने बीवी में मसरूफ हो गया, शायद उन्हें कोई काम हो। अम्मी क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अम्मी कहे ना, खामोश क्यों हो गई? वो मैं ये सोच रही थी कि माला का मसला कैसे हल होगा बेटा। सिदरा तो उससे बहुत डरने लगी है, उसका नाम आता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे जैसे कोई भूत देख लिया। हाँ ना, बहुत डरने लगी है माला से। अम्मी आप भी ना, माला बिल्कुल एक्टिव लड़की है, बिल्कुल ठीक है वो। हाँ पर सिदरा भाभी ना, वो तो पुरानी बातों को लेके बैठी हुई है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप भी। अभी उसकी शादी हो रही है और देख लेना वो कैसे हंसेगी मुस्कुराएगी। कोई ये बात समझने को तैयार ही नहीं है कि उसने कितनी तकलीफें उठाई हैं अम्मी। और मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि इतनी कम उम्र में उसको क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। हाँ ऐसे कह तो तुम बिल्कुल सच रहे हो। मैं हमेशा ही ठीक कहता हूँ अम्मी, बस आप और आपकी बहू आप दोनों ही नहीं मानते। अच्छा देखो ना, ये अच्छा है? बहुत अच्छा है। बस मैं तुम्हारी पसंद की चीजें ही लाती हूँ, देख लो। ये देखो, आपकी पसंद मेरी पसंद एक ही बात है अम्मी। कुरैशी साहब क्या हुआ है? वो चाचा जान ताके वास्ते। कुरैशी साहब जल्दी बता दीजिए, अब मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है किसी किस्म का सदमा सहने की। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि चाचा जान का सारा चेहरा झुलस गया है, अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई मैंने सारी लाइब्रेरी देखी है, आसपास सारी चीजें देखी है, किसी चीज में कोई शुबा नहीं हो रहा मुझे। अच्छा देखो ये बात जो है वो माला को नहीं पता चलनी चाहिए, वो खामखाई परेशान होगी। जी ठीक कह रहे हैं आप, उसकी तो मेहंदी भी है। ठीक है, मैं बाकी बातें आके घर पर करता हूँ। सर आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। सर आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अच्छा आ जाओ सर। ये सब क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? चाचा जान जी आप? मेरे वो चाचा हैं। मैं हूं उनका डॉक्टर, डॉक्टर अली सिद्दीकी। शायद ये मेरी प्रैक्टिस का पहला केस है जो। दीदी कहिए अब कैसे हैं वो? आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। इनफैक्ट आप मुझे ही बताएं कि आपको कैसे लगा कि वो स्कैन बर्न के शिकार हैं।
ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपके पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने देखा है कि उनका आधा चेहरा झुलस गया था, और मुझे तो डर है कि कहीं उनकी बिनाई पर कोई असर ना पड़ा हो। मैं अभी अभी उनका चेकअप करते हुए आया हूँ। ही इज एब्सोल्युटली फाइन एंड परफेक्ट। आप जब चाहें उन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन वो तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये केस मेरी प्रैक्टिस के चंद अजीब गरीब केसेस में सरे फहरिस्त है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आरिफ साहब की स्किन अपनी जगह सुकड़ रही है। वो अपनी पहले वाली नॉर्मल पोजिशन में जा रही है, और मे भी ये कोई स्किन एलर्जी टाइप की चीज़ है। बहरहाल मैं इस केस को अपने सीनियर से डिस्कस करूंगा। डोंट वरी, ही इज फाइन। मैं उन्हें डॉक्टर साहब देख सकता हूँ? जी जी जरूर। पता नहीं क्या हो रहा है, ये माजिद मियाँ तो बिल्कुल बावले हो गए हैं। खैर तुम फिक्र मत करो, तुम बस मेहंदी की तैयारी पकड़ो। मुझे दे दो फोन, मैं बात करके देख लेती हूँ। देखो ना, कभी कह रहा है कि आरिफ मियाँ जल गए, कभी कह रहा है कि छुट्टी हो गई। अरे भाई, शादी ना हुई, गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया। अजीब बातें हो रही हैं। पता तो करूं, वो क्या रहा है? अरे माजिद मियाँ, क्या बना, कब जाना है घर? जसवंत, मैं सोच रहा था कि आप अगर एक दो रोज और यहाँ रुक जाते तो अच्छा था। नहीं 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 माजिद, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। उसने वार्निंग दे दी है मुझे, दो दिन बाद वो माला को। क्या क्या चाचा जान, माला को क्या? अरे कुछ भी नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम घर जाओ, शादी की तैयारी करो, सब ठीक हो जाएगा, जा घर जाओ। मुझे लग रहा है चाचा जान कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। चाचा जान, अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज मुझे खुलकर बताइए। माला मेरी बेटी है, मेरा भी पूरा हक है उसके बारे में जानने का। क्या क्या वो उसे कोई खतरा है चाचा जान? एनी जी, बेटा जो कपड़े दिए थे वो चेक कर लिए? जी जी अम्मी, कर लेते। अच्छा ठीक है, और कुछ मंगवाना है तो लिख के बता दो, मैं वो भी मंगवा देती हूँ। अम्मी वो मुझे एक बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। अम्मी मैं जानती हूँ मैं इस घर की छोटी हूँ, ये बात करना मुझे जेब नहीं देती, लेकिन मैं जीते जी माला को खुदकुशी करने तो नहीं दे सकती ना अम्मी। अम्मी वो मेरी बहन है, उसने हर अच्छे बुरे में मेरा साथ दिया। अब वो अपनी जिंदगी के सबसे तकलीफ दे दौर से गुजर रही है, तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए ना। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दो। अम्मी आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। देखिए वो लोग अच्छे नहीं है, बहुत लालची लोग हैं। तो अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे बताओ मुझे, कोई है अच्छा रिश्ता नजर में? ऐसे ही रिश्ते आएंगे। अम्मी है अच्छे रिश्ते, अंसर जैसा भी तो। चुप कर जाओ, है जो मुंह में आता बोली चली जा रही। क्यों क्यों चुप कर जाओ? अम्मी आप मेरी बात ही नहीं समझ रही, माला मेरी बहन है, मैं उसे अंधे कुएं में तो नहीं गिरा सकती ना। अम्मी आप एक दफा ना फूफो से बात करके देखिए, पहले भी तो वो माला का रिश्ता लेकर आई थी ना, और फिर अंसर के ऑफिस में भी तो कोई ना कोई होगा ना अम्मी। लेकिन इस वक्त तुम मेरी बात नहीं समझ रही, तुम नहीं जानती। खाला अम्मी ने आलिया से एक दफा बात की थी, आलिया से कहा था कि तुम्हारा भाई मुश्किल में है, मुश्किल में बहने ही काम आती है, आगे बढ़कर माला को थाम लो। लेकिन आलिया खुद गर्जी का मुजाहिरा किया उसने, इस बात का जवाब ही नहीं दिया। मेरी बेटी पर नहुसत का ठप्पा लग चुका है अली, अब हमारे घर में ऐसे ही रिश्ते आएंगे। काश के आलिया माला को अपना लेती तो ये दिन ही आज ना देखना पड़ता। मेरी
चचाजान ऐसा कैसे, ऐसे बिना सबूत कोई कैसे मानेगा? माजिद मियां, पहली बात तो ये है कि ये बातें सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। रह गई सबूत की बात तो इस हॉस्पिटल में तुम ही लेके आए थे ना मुझे, और लाइब्रेरी का जो हाल था अपनी आंखों से तुमने देखा, और मेरा जो हाल था वो भी तुमने अपनी आंखों से देखा था ना। लेकिन चाचा जान, आज के जमाने में कौन ऐसी बातें मानता है? देखो माजिद मियां, वक्त बहुत कम है मेरे पास, यहां से निकलो और चलो, सिर्फ एक ही मौका है मेरे पास। लेकिन चाचा जान, आपकी जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं है ना? अरे अब जिंदगी रह कितनी गई है जो इतनी फिक्र करूं इसकी, और फिर अपनी जान दे के अगर किसी की पूरी जिंदगी बचाई जा सकती है माजिद, तो घाटे का सौदा नहीं है। नहीं नहीं चाचा जान, मेरा जमीर नहीं मानता कि मैं अपनी बेटी की खातिर आपकी। अरे नहीं माजिद, नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। इन थोड़े से दिनों में उसने मुझे मेरी अपनी औलाद की खुशी दी है। लेकिन ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, यहां से निकले, मुझे मेरे घर छोड़ो और तुम अपने घर चले जाओ। और हाँ, एक मिनट, अगर मुझे कुछ हो गया या तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो ये कार्ड रखो, इस शख्स से रब्ता करना, बस। समझ गए ना? समझ गए? ठीक है सर। आपका मसला नहीं, मेरी मर्जी। माना, प्लीज मत रोए, प्लीज मत रोए, मुझे तकलीफ हो रही है। आप मुझे बताएं क्या हुआ, मैं हूं ना बलवीर। माना, माला, तुम मुझ पे कितना भरोसा करती हो? हस्से भी साथ। तो फिर मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच बताओगी? तुमसे झूठ बोलना यानी खुद से झूठ बोलना है नहीं। तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह, तुमसे कुछ ढका छुपा नहीं। पूछो क्या पूछना चाहती हो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कुछ अनकही बातें आ गई। माना, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। इनमें ना कोई रंग है, ना कोई औसों के साथ, कुछ भी नहीं। तो फिर ये अवलमीर कौन है? अवलमीर? देखो माला, तुम डरो मत, मैं आखिरी दम तक यार तुम्हारा साथ दूंगी। तुम सिर्फ उस सुहेल से शादी से इनकार कर दो,
संभाला वो है नहीं। तुम मुझे ऐसा समझती हो? कोई और इल्जाम रह गया था लगाने के लिए? मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ ऐनी। बस कर दो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं ऐनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो मालव, मुझ पर यकीन करो यार, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और वैसे भी कोई लव मैरिज बुरी बात नहीं है। ऐनी बस कर दो, बस जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले रह सकती हूँ, चली जाओ ऐनी, जाओ चली जाओ। बेटा तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया है कि तुम सिद्रा को अपने तरीके से समझा दो, कहीं ये ना हो कि ऐन वक्त पर वो, मैं ये भी समझती हूँ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर क्या सोच समझ के अबू ने फैसला किया, इतने सारे मेहमान एक साथ कैसे हैंडल करेंगे? बहुत ही बदजायका चाय बनाई तुमने रेवत खान। सब पहले भी तो ऐसी बनती थी। अरे अब आदत नहीं रही ना, वो बच्ची बड़ी जबरदस्त चाय बनाती रही इतने दिन। अच्छा तो आपने कोई लड़की रख ली थी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साहब कि जाते हुए आपको कोई मुलाजिम ना दे सका। इसमें क्या बात है, तुमने अपनी बेटी जो दे दी थी भाई, हमें बहुत पसंद आई तुम्हारी बेटी। हाँ वो है कहाँ, मुझे उससे बड़ी जरूरी बात करनी थी। वो मुझे छोड़कर चले गई साहब। कहाँ गई? अभी कल परसों तक तो यहाँ काम कर रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मैं इसीलिए तो इमरजेंसी में गाँव गया था, वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या मतलब? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका इंतकाल हो गया साहब। चाचा जान आपको खतरे से गुस्से नहीं है, बल्कि जेबुन से भी है। क्या मतलब? मैंने ना कल उसे अपनी आंखों से देखा है, वो कोई बैठ के ताबूत खोल रही थी और अपने हाथ बुलंद करके पता नहीं क्या क्या पढ़ रही थी। चाचा जान इस सब में वो भी मिली हुई है, वो अपनी जगह कुछ अमल कर रही है और आप अपनी जगह, जो डर लगता है कुछ होना चाहिए। उठवाइए ले लो, मैं नाश्ता लगवा देता। नहीं खाई जाती मुझसे ये सुबह सुबह मेडिसिन। अब खानी तो पड़ेगी ना, अपने लिए और हमारे बच्चे के लिए। यहाँ से मुझे अम्मी के पास भेज दो, उससे नहीं रहा जाता यहाँ। मैं भेज देता हूँ, ये लो पहले खाओ। अरे बेटा चंद दिनों की तो बात है। अरे अम्मी आपको जहमत करने की क्या जरूरत थी, मैं बाहर ही आ रहा था। ये नाश्ता सिद्रा के लिए है, तुम बाहर आके सुकून से नाश्ता करो, मुझे तुमसे जरूरी बात भी करनी है। अच्छा चले मैं आता हूँ, दवाई खा लेना।
चलो। अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक और फिर चित्रा की तबीयत। बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे अब्बू को समझा समझा के थक गए, समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं अब्बू से बात करता हूं। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया है कि तुम सिद्रा को अपने तरीके से समझा दो, कहीं ये ना हो कि ऐन वक्त पर वो। मैं ये भी समझती हूँ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर क्या सोच समझ के अब्बू ने फैसला किया, इतने सारे मेहमान एक साथ कैसे हैंडल करेंगे? और फिर माला के ससुराल वाले कितने अजीब लोग हैं, उनसे तो किसी भी अच्छी चीज की बाइट नहीं की जा सकती। ये सब सुन के वो अपने और रिश्तेदारों को बुला लेंगे और हम आउट ऑफ बजट हो जाएंगे। रिश्तेदारों के अलावा और भी 500 खर्चे हैं इस घर में, खाना है, कैटरिंग है। क्या हो गया आपको पता नहीं बेटा, अब जो होना था हो गया। ये सोचो कि एक दिन के अंदर अंदर 200 लोगों का खाना कैसे अरेंज करें। अब माला आओ आओ। मी मैं चलता हूं, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। आओ नाश्ता करो, छोड़ के चला गया ये तो। मम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बैठो तुम। मम्मी बताए ना प्लीज क्या हुआ है। वो असल में कल तुम्हारा निकाह है। मुझे मालूम है रशीद भाई, लेकिन बस आप डबल पैसे ले लें, लेकिन कैटरिंग तो कर देना। रशीद भाई हम अपने घर की सारी कैटरिंग आपसे करवाते हैं, ऐसा मत करें। वैसे भी आपसे घर वाली बात है हमारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई, मैं अबू को बता देता हूं। ओके खुदा हाफिज़। तो माला की वजह से पूरे घर में डिस्टर्बेंस। लेकिन हमारी सीट तो माइयों के अगले रोज थी ना बेटा, क्या कर सकते हैं अम्मी। तुमने अपनी सास से पूछा नहीं कि आखिर उनको क्या इमरजेंसी आ गई? मेरी बला से अम्मी, हाँ मेरी तबीयत इतनी खराब है, उठना बैठना मसला हो गया है। तुम्हारी सास को नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि तुम चल फिर सको? हे, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने कहा था यासिर को, लेकिन वो। सिद्रा बेटा मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी हुई है, ऐसी हालत पे बीपी का हाई होना ठीक नहीं होता। मैं आपके साथ वापस चली जाऊंगी, मैंने यासिर से कह दिया है, अब मैं फारिग होकर ही वापस आऊंगी, शादी मेरे बगैर भी हो सकती है। सही कह रही हो, मुझे तुम्हें वापस भेजना ही नहीं चाहिए था। मना किया था ना आपको अम्मी, आपको भेजना ही नहीं चाहिए था मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई मजबूरी समझ लें। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मुझे नहीं बता सकते? मुझे भी तो पता चले। ये पकड़िए, सोहेल की मुंह दिखाई के लिए रखे थे, अब कहां से लूंगी मैं उधार?
तो भाभी एनी और अंसर का भी निकाह कर देती है। आलिया निकाह कैसे हो सकता है, मेहंदी पे निकाह रख लेते तो और बात थी, उपटन पे ये कैसे मुमकिन है, अफरा तफरी है घर में, और फिर उपटन तो हम घर घर में ही कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये बात भी है, आपने पूछा नहीं भाई साहब से। वो तो किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, खाला अम्मी होती तो वो पूछ लेती, उन्हें बता देती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। एक तरफ करके बिठा दिया मुझे, जैसे मैं कुछ लगती ही नहीं। अच्छा अगर आप कहती हैं तो मैं खाला अम्मा को रात में लेके आती हूँ, वो खुद ही बात कर लेंगी। आलिया अब क्या फायदा, उन्होंने रात को सीधा माला की सास को फोन कर दिया और वो मोहतरमा खुशी खुशी राजी होगी। हाँ भाई उन्हें क्या मसला होना है, उन्हें तो एक दिन का और खाना फ्री में मिल रहा है, यकीनन साथ भी पैक करा के ले जाएंगी। अच्छा आलिया तुमसे बाद में बात करूंगी। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और सुनो कल खाला अम्मी को जरूर ले आना। अच्छा भाभी आप फिक्र नहीं करें, मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूंगी, अकेली हूँ मैं काफी, उनकी जरूरत है मुझे। अच्छा ठीक है खुदा हाफिज। ले आई गोली दवाई, सर का दर्द तो जान ही ले लेगा मेरे, ये बहुत शदीद हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा, दवाई खाएं। अम्मी सर दबा दो, हमें ज्यादा दर्द हो रहा है। दबा दो। अल्लाह थोड़ा सा यहाँ से ऐसे।
आप बेहद करते हैं कुरैशी साहब। पहले कम खर्चे थे, खर्चा मेरे ऊपर और डाल दिया। अरे भाई मजबूरी समझ लें। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मुझे नहीं बता सकते? मुझे भी तो पता चले। ये पकड़िए, सोहेल की मुंह दिखाई के लिए रखे थे, अब कहां से लूंगी मैं उधार? कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप सब से काम है। कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप सब्र से काम लें। कैसे सब्र से काम हो? सब कुछ पता नहीं कैसे होगा, खुद ब खुद सब कुछ तय कर लिया, मुझसे मशवरा भी नहीं किया। हो जाएगा सब कुछ, दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं ना, सब कुछ हो जाएगा। आलिया भाई कहाँ रह गई हो? आ जाओ अब, देर हो रही है। आ गई आ गई खाला मम्मी, आ गई मैं। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। अंसर सब सामान रख दिए, और कुछ? मेरे ख्याल में तो मैंने सब कुछ ही रख दिया है। चलें अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आ जाऊंगा। जाहिर है बेटा तुम ही आओगे ना वापस, कितने जतन के बाद तो ये दिन आया है। माशाल्लाह जीते रहे मेरा बच्चा, सलामत रहे। हाँ बस ये दुआ करो कि माला भी एनी की तरह भागों वाली। आमीन। चले हाँ चलो, आ जा आ जा। अच्छा जी जी पप्पो, मैं आपकी बात करवा रही हूँ। पप्पो मम्मी तो यहाँ पे भी नहीं है। बिल्कुल तैयार हूं फारूखी, कल जो होगा देखा जाएगा, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, आज ही से हिसार बांधूंगा ताकि कल वो कैद हो जाए और बच्ची बेचारी आजाद हो जाए। मतलब ये है कि तुम आ गए हो। आओ आओ आओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। कितनी देर लगेगी आंसर?
बस करीब मैं ही आ रहा हूँ, कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। आंसर, वो माला। माला? अब क्या हुआ, कोई नई बात? आंसर वो माला। नहीं बोलो, क्या हुआ? आंसर वो, मुझे लगता है कि माला किसी अव्वल मीर नामी लड़के को पसंद करती है। अव्वल मीर? जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बाद में बात करती हूँ। जी बेटा, ससुरजान को फोन मिलाओ अपने नंबर से, पता नहीं उनको पता ही नहीं चल रहा, किसी का फोन नहीं उठा रहे, शायद तुम्हारा फोन उठा लें। अच्छा ठीक है, जी। भाभी क्या हुआ आपको? अम्मी, एनी, कोई है तो जल्दी आए प्लीज। भाभी देख, क्या हुआ? अम्मी, सिद्रा, भाभी को देख, सिद्रा, सिद्रा उठा। अम्मी, मतलब अम्मी, भाभी उठी नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। सिद्रा, भाभी, सिद्रा आंखें खोलो। भाभी, सिद्रा बेटा आंखें खोलो। ओह भाभी।